एक बार फिर से आपका स्वागत है देशभक्त रेडियो पर। आप आर्यन के साथ हैं और आर्यन के साथ में मौजूद हैं आपकी परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश जो कर रहे हैं, पूरे जान शान से लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी बचाने में लगे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर दीपक आचार्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एस्ट्रोलॉजी भी बचा रहे हो, बीमारियों के बारे में बता रहे हो, अब दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। ये बताओ, ये जो राशियां होती हैं, ग्रह होते हैं, तो अभी हमने जैसे बात की कि कैसे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं अपना, तो दवाइयों पे भी इम्पैक्ट डालता है कि इसको एलोपैथी काम करेगी ज्यादा? सबसे पहले बड़ी बात तो आपने ये कही आर्यन जी कि मैं बचाने में लगा हूं। हाँ, बिल्कुल। ये बचाने में नहीं लगा हूं भाई, मैं कमाने में लगा हूं। नहीं, कमाना है दोनों तरीके से ना। एक आदमी दो नंबर से भी कमा सकता है, वो ये ना कि अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो ये दिक्कत आएगी, 1100 रुपए की पूजा कराओ। नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, मैं बचा भी रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ। पर आप पूछेंगे, आपने ये नहीं पूछा मैं क्या कमा रहा हूँ। मैं इज्जत, दुआएं और नाम कमा रहा हूँ। ओके। पैसा कमा लूंगा, अगर आपका नाम हो गया, आपको इज्जत और दुआएं मिल गई, तो मान लीजिए आपने पैसा कमा लिया। अब इस बात में आपने ये सवाल जो किया कि जैसे अभी हमने टॉपिक में बात की थी कि ग्रहों को बीमारियां से जुड़े हुए होते हैं सब ग्रह, वैसे ही अभी आपने बात की दवाइयां कैसे जुड़ी होंगी फिर बीमारियों से। बात सही है आपकी। देखिए, इसमें क्या रहता है कि दवाइयों की टाइप्स की डिवीजन की बात करते हैं, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ठीक है, और बाकी थेरेपीज हो गई, फिजियोथेरेपी, ये हो गई ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हर थेरेपी या हर बीमारी की मेडिसिन एक ग्रह से जुड़ी हुई है। अब एलोपैथी की बात करूं, केमिकल साल्टेड की बात करूं, कोई भी दवाई ऐसी है जो बिना केमिकल के बनी हो, एलोपैथी में नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको शनि लीड कर रहा है। विस्तार बहुत ज्यादा है उसका। कलयुग में कहा था ना पाप बढ़ेगा, हर हर शहर में 10 दुकानें हैं केमिस्ट की और किताबों की दुकानें दो होंगी और भीड़ भी होगी। भीड़ भी होगी ना। सरदर्द की गोली तो हर एक को चाहिए ना, कि सरदर्द कर रहा है। एक फिनोमिना है, अच्छा मेरी गाड़ी में पड़ी है, सरडोन ले ले यार, मतलब प्रचार हो गया। तो एलोपैथी मेडिसिन को शनि लीड करता है। ऐसे ही मैं आयुर्वेद की बात करूं, आयुर्वेद की दिमाग में आते ही बात जहन में क्या आता है, कोई ऐसा बंदा जो बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, बड़े धीमे, जो धीमे चलता हो, वैसे ही वो बीमारी असर करती है। एलोपैथी का नाम आता है, डॉक्टर आता है जहन में, टिप टॉप अच्छे कपड़े पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, डॉक्टर आता है जो फास्ट बोलता है और अच्छा चलता है और दवाई भी यूं असर करती है। अभी गोली खाई थी, आधे घंटे में ठीक। और आयुर्वेदिक में क्या है, अभी लेप लगाया है, 3 घंटे बाद ठीक करके सिर को, उसमें डोज एक ही है। तो इसमें उसके बाद आती है होम्योपैथी की मेडिसिन, जड़ से उखाड़ना है हमने। होम्योपैथी दिमाग में आती कैसा आता है, एक ऐसी दुकान या एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा विद्यालय जहां में मतलब बोतलों में केमिकल्स पड़े हों और एक बड़ी सारी बाल्टी में सफेद मीठी गोलियां भरी हों, ये जहन में आता है। तो इसके लिए चंद्रमा या शुक्र, ओके, आयुर्वेदिक के लिए बृहस्पति ग्रह और एलोपैथी के लिए शनि। अब सर्जरी की बात करते हैं, सर्जरी के लिए लीड, उसके लिए मंगल और शनि दोनों। अब ये मंगल शनि कैसे आ गया, देखिए अगर आपको किसी चीज को काटना है तो एक एक्सीडेंट में भी इंसान का कोई अंग कट रहा है तो लोहा ही काटेगा ना। मान लीजिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई रेलगाड़ी दुर्घटना जब होती है तो एक्सीडेंट, हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया तो उसमें काटा गया इंसान को, ठीक है, तो इंसान कटा, काटा नहीं गया, कटा, वो चोट लगी, कट गया, पैर कट गया, टांग के लग गए यार, स्टिची लगवाने गया है, यहाँ कट गया था उसका, तो वहां क्या कटा, तो कटा वहां उसे मारने के लिए। अब एक डॉक्टर ने काटा कि यहाँ आपकी मतलब पस पड़ गई है, मैं इसको काट देता हूँ, उससे से गंदगी साफ कर देता हूँ। ये डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा सिजेरियन होना है। डॉक्टर ने भी काटा और एक्सीडेंट ने भी काटा, डॉक्टर ने बचाने के लिए काटा, एक्सीडेंट ने मारने के लिए काटा, तो वहां कौन से ग्रह लीड कर रहे हैं, मंगल और शनि। मतलब मेडिकल की लाइन में ग्रह बहुत प्रभाव रखते हैं। जो बच्चा अच्छा नॉलेजेबल होगा वही डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल सही बात, पढ़ाई में होशियार होगा वही बनेगा डॉक्टर ना। वैसे नहीं, फर्जीवाड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं। अब बच्चा होशियार क्यों होगा, उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, गुरु उसका मजबूत होगा, ठीक है। अब गुरु उसका क्यों मजबूत होगा, उसके कर्म ऐसे होंगे, गुरु से तात्पर्य उसके टीचर से भी है, अच्छा शिक्षक अच्छे स्टूडेंट्स को कामयाब कर देता है, ठीक है। ऐसे ही एलोपैथी में है, एलोपैथी शनि की मेडिसिन है। आपने देखा होगा कि जिनकी दवाइयां चली हुई है ना, उनकी 10-10 साल की दवाइयां चली हुई है, किसको शुगर हो गई तो पूरी लाइफ के लिए गोली, जब तक जीवित हो भाई शुगर की गोली खानी पड़ेगी। अब ऐसा ही हृदय रोग की गोली है तो चली हुई है, तो शनि है, लंबा प्रोसीजर भी है एलोपैथिक, लंबा प्रोसीजर भी है। आयुर्वेदिक में भी बृहस्पति की मजबूती, हम ये बोलते हैं ज्योतिष में तो ये कहा जाता है कि एक मुहूर्त देख के दवाई का मिश्रण तैयार किया जाता है। अच्छा जी, ज्योतिष और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। फला तरीक को चंद्रमा की रोशनी में फला बूटी को तोड़ो,
अच्छा ऐसा भी है, ओके बिल्कुल। और ऐसे कुछ पुराने औषधालय हैं जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं। आपको ये बात जान के बड़ी अटपटी लगेगी, तुर्की की, तुर्की में एक मतलब इंसान ने रिसर्च की है जिन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है जिसमें तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जो चीज को मान रहे हैं। वो लोग ऐसा ही करते हैं, हिंदू ग्रंथों में से देखते हैं कि ये मेडिसिन चाहिए, इसका ये इलाज है, और उन्होंने वो चीज को प्रूफ कर दिया कि अगर हमने वो बूटी चंद्रमा की रोशनी में तोड़ी तो उसने इतना काम किया, और हमने बिना चंद्रमा के रात तोड़ी रात को ही तो उसने इतना काम किया। उन्होंने चीज को प्रूफ कर दिया। ये पॉसिबल है, ये दोनों चीज के पूरक हैं। ऐसे ही ग्रहों के ऊपर बीमारियों का प्रभाव आता है, ग्रहों का प्रभाव बीमारियों के ऊपर आता है, ग्रहों के प्रभाव से जो है दवाइयों के विपरीत प्रभाव आता है। ओके, आप बातें माने या ना माने ये और बात है, बट जो चीज प्रूफ हो गई है वो हो चुकी है। आप चाहें तो डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं, वही हम कोशिश भी कर रहे हैं। वेल, आपकी कुंडली के और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको कोई परेशानी है तो हमें बताएं।